जिला सहकारी बैंक गोरखपुर महाराजगंज डायरेक्टर पद के सदस्यों के चुनाव गुरुवार को जिला सहकारी बैंक परिसर में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी की देखरेख में आयोजित डायरेक्टर के इस चुनाव में कुल 14 डायरेक्टर पद में से 10 प्रत्याशी निर्विरोध चयनित हुए, जबकि 4 प्रत्याशियों का विधिवत चुनाव हुआ। 4 पदों पर हुए चुनाव में सुरसरी प्रसाद मिश्र बेलघाट, शैलेश त्रिपाठी वृत्तिक श्रीराम कैंपियरगंज, विजय प्रकाश शुक्ला महाराजगंज से जीत हासिल की। वहीं 10 प्रत्याशी निर्विरोध पहले ही चयनित हो चुके हैं, जिसमें विजय प्रताप सिंह सरदार नगर, प्रभाकर द्विवेदी सिसवा, वंदना त्रिपाठी नौतनवा, हरकेश सिंह गुगली, जितेंद्र प्रताप सिंह बांसगांव, राधेश्याम चौधरी फरेंदा, नीलम सिंह पिपरौली, कौशल किशोर सिंह व्यक्तिगत, तरुण कुमार सिंह वृत्तक और नरसिंह चौरसिया चयनित शामिल है। आपको बताते चलें कि 11 मई को जिला सहकारी बैंक परिसर में सभापति और उपसभापति का चुनाव होना है। पूर्व विधायक अंबिका सिंह के अनुज एवं गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के चाचा विजय प्रताप सिंह, जो सरदार नगर से डायरेक्टर के रूप में निर्विरोध चुने जा चुके हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार 14 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने जिला सहकारी बैंक गोरखपुर महाराजगंज का सभापति मान लिया है, जिसका चुनाव 11 मई को होना है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विजय प्रताप सिंह ने कहा, फाइनल हो गया बस, तुम खुश यार। आप लोग सब लोग जाइए ना, सब लोग सफा में संबंध चुना हुआ है, जैसे एकदम ईमानदारी से हुआ है और सभी लोग 10 को निर्विरोध हो गए, 4 पर लड़ाई हुई थी, चारों लोग यहीं जीत करके सब लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग अपने पक्ष के हैं। वो तो कल चेयरमैन के अध्यक्ष के पद के लिए होगा, उपाध्यक्ष के लिए होगा और बाकी संस्थाओं में जाने के लिए जो पत्नी जाएंगे उनका चुनाव होगा।